नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग फिर से निकल पड़े हैं घूमने के लिए और आज हम लोग जा रहे हैं विश्वेश्वरैया म्यूजियम में, जो कि बेंगलुरु में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और ये वॉइस में बाद में ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और म्यूजियम पूरा दिखाते हैं आप सभी को। टिकट लेने के बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, सबसे पहले आप सभी को डायनासोर देखने के लिए मिलेगा, जो कि वहाँ पे इसकी आवाज़ भी सुनने के लिए मिलेगी, थोड़ी सी डरावनी भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी सुनने में। तो हमने भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन हम देख सकते हो कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा लोग आए थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। इसके लिए डायनासोर की आवाज़ से ज़्यादा तो इंसान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसीलिए हमने रिमूव कर दिया। और हम लोग संडे को गए थे तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था। तो दोस्तों, मैं आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं मिनिमम चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पूरा डिटेल से नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो देख सकते हैं, ये है चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ सब कुछ बताया गया है। ये है चंद्रयान 3, इसकी सारी जानकारी आप डिटेल से देख सकते हो, कैसे क्या हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, एक बड़ा सा बोर्ड में सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ करके डिटेल से जान सकते हैं। अब इधर से थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इंजन देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग टाइप की इंजन, कई कई सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ऐसे देखने के लिए मिलेगा जो अभी के टाइम पे यूज भी नहीं होती है। मतलब ये कह सकते हो कि वो सारी पुरानी पुरानी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि सभी अलग अलग प्रकार के इंजन हैं और सभी का नाम सभी के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप जाओ तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो और उसके बारे में डिटेल से जान भी सकते हो। जैसे कि इसमें देखिए, यह है डीजल इंजन, तो इसी तरह जितना भी इंजन था सभी में उसका नाम लिखा हुआ था। और उन सभी जितनी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी, उसमें ये भी लिखा रहेगा कि वो कब लॉन्च हुआ था, उसको कब बनाया गया था। तो ये देख सकते हो 1916 में बनाया हुआ था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, आप सभी ने देखा। तो इस तरह से अगर बच्चे को कहीं घुमाने के लिए अगर कहीं सोच रहे हो, जो कि अभी पढ़ रहे हैं, तो आप ये म्यूजियम में लेके आ जाओ, तो वहाँ पे आपको बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो अभी तक आप लोगों को इंजन ही इंजन दिखाई दे रही होगी, तो हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा प्लेस में जिधर देखो उधर इंजन ही इंजन दिखाई दे रहा था। और ये है ग्राउंड फ्लोर का वीडियो, ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ और सिर्फ इंजन ही इंजन दिखाई दे रहा था। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पुराने ज़माने में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसे किस तरह का घर रहता था, कैसे हल जोतते थे, अन्न को उपजाते थे, कैसे लोग कैसे उसका रहन सहन रहता था, किस तरह से हवा यूज करता था, पानी निकालता था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये चित्र में आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये एक फैन है, एक तरह का पहले रहता था ऐसा। यहाँ पे देखो पानी निकालने की मशीन है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक आदमी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे। यहाँ पे आपको बॉल पेन देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद थोड़ी सी आगे चलेंगे तो आपको लॉक देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा ही आगे चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सभी प्रकार के स्विच देखने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद उसके वहाँ पे ये बटन भी है ताकि सभी लोग प्रेस करके देखें कि वो कैसे काम करता है, कैसे ऑफ और ऑन होता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे आप तो आपको ये चापाकल देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये चापाकल अभी भी गांव साइड में रहता है और सेम ऐसे ही रहता है गांव साइड में, तो ये तो अभी भी चलती है।
जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये चापाकल चला रही है, ये है माही मेरी बेटी। इसे इस तरह चला करके बहुत ही मज़ा आ रहा था। थोड़ा देर मतलब दूर चलेंगे आगे तो यहाँ पे आपको जीप मिलेगा, जीप लगाने के लिए। और यहाँ भी ये जीप भी कई प्रकार का था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं उधर वो थोड़ा सा मोटा वाला है और इधर साइड में दूसरा जीप है, फिर इधर और है, मतलब कि सभी प्रकार के जीप देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो माही काफी मतलब वो कर रही थी सभी को। अब हम लोग विद्युत तकनीक में देखने वाले हैं, ये थर्ड फ्लोर है तो थर्ड फ्लोर में हम लोग अभी जा रहे हैं। मेक और ऑन ये क्या है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना मीटर। माही कहाँ गया उसको बताओ, वो आगे ही उड़ जाती। माही आई कि नहीं? ये देखो 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 क्या है, पढ़ती क्यों नहीं, इसमें लिखा हुआ है सारा। सुन रही है माही, पढ़ के देख रही है। हाँ हाँ क्या है, हाँ। ये क्या है इसमें देखो, वाटर आ रहा है। ऐसे भाई ये क्या है, फिल्टर मशीन है क्या? टैंक कौन सा है? टैंक करवा है, फिल्टर फिल्टर है ना। आप सभी को सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें देखने को मिलेगी। अब थोड़ी सी आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा व्यू देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड साइड का कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें शीशा में बंद किया हुआ है। और यहाँ पे सारा चीज़ें दिखाया गया कि पोल्यूशन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये साइकिल मिल जाएगा, ये एक गेमिंग टाइप का है कि आप साइकिल चलाओगे तो वहाँ पे वो मिरर टाइप का सामने में दिख रहा है, उसमें स्कोर बनेगा। तो ये माही चला रही थी लेकिन माही को समझ में आया नहीं कि स्कोर कैसे बनता है, कभी ये उल्टा घुमा रही थी तो कभी सीधा घुमा रही थी। तो थोड़ी देर के बाद इसके पापा ने इसको कर करके बताया कि किस तरह से करना चाहिए और फिर किस तरह करेंगे तो स्कोर बनेगा। देखो इसको बता रहा है कि किस तरह करोगे तो स्कोर बनेगा, पर माही स्कोर बना ही नहीं पा रही थी। तो ये लोग जनरेटर चालू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं है? माही चालू करो, देखो बच्चे को, देखो बच्चे को, ठीक ठीक हाँ। वो लाइटर जला रही है माही, क्या है ये लाइटर, गैस का लाइटर है। माही बिना बताए ही सारा चीज सीख जा रही है। वो माही वो क्या देखे, मोटर है वो, उसको भी वो चला ही देगी। चलो माही ऊपर चलो। यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले एक सुंदर सा मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, फिर वहाँ से आप थोड़ी सी आगे राइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि हमारे मनुष्य के शरीर में रक्त की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, हमारे शरीर में रक्त कैसे चलती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है उधर एक साइड में बोर्ड में। और फिर हम यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि मनुष्य के खाने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें होती है, वेजिटेबल वगैरह हो गया, धान है, गेहूँ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। अब थोड़ी सी उधर आप कैमरे घुमाओगे तो उधर आपको बकरियाँ देखने के लिए मिलेगा, ये शायद पिग है, वही लग रही है। फिर थोड़ी सी आगे चलोगे तो
यहाँ पे भी, मतलब इस फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें जो भी मिलेगी वो हमारे मनुष्य से रिलेटेड, खाने पीने की चीज़ें हो गई, पहनने की चीज़ें हो गई, हमारी बॉडी के बारे में मनुष्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे आपको मशरूम देखने के लिए मिल रहा है। उधर ये जीन्स पैंट यानी कि जो हम पहनते हैं, जो खाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे आपको राकेश शर्मा का फोटो देखने के लिए मिलेगा और इनके बारे में सारी जानकारियाँ डिटेल से मिलेगी। राकेश शर्मा हमारे इंडिया से सबसे पहले पहला व्यक्ति था जो कि चंद्रमा पर गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर माही को काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो काफ़ी अच्छे से देख रही थी। यहाँ पे आप चंद्रयान के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएगी, जो भी चीज़ें रहेगी यहाँ पे सारी चंद्रयान के बारे में ही है। आप इधर थोड़ा सा राइट में देखेंगे कि आपको रॉकेट देखने के लिए मिलेगा, आप छू भी सकते हो, नहीं नहीं छू नहीं सकते हो, ये कांच में बंद है। फिर थोड़ा सा आगे चल करके माही को दिखा चंद्रयान का फोटो, मतलब ये कोई मतलब टैब जैसे में लगाया हुआ था, उसके सामने जाने से लग रहा था जैसे कि हम लोग उड़ रहे हैं, चंद्रयान पे जा रहे हैं। तो माही को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो ये बार बार उछल रही थी, कूद रही थी, और उसमें फोटो में दिखाया जा रहा था कि वो उड़ रही है और सभी को बोल रहा था कि तुम भी करो, तुम भी करो। चंद्रयान बोलो चंद्रयान देखो ऐसे ही रोटेट करता है ये जो है ना चंद्रयान, चंद्रयान वाला ना ऐसे ही अर्थ को ट्रांसफर करता है, ऐसे अच्छा अंदर चलो आपको ये छोटा सा कि ये पूरी के कांच की बनी हुई थी, मतलब उसमें एक बार अंदर जाने से उसका रास्ता पता ही नहीं चलता था, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता था, जिधर ही देखो उधर कांच ही, मतलब खुद का शक्ल देखने को आ रहा था। तो काफी मजा आ रहा था मुझे। और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे थोड़ा इंसान को फन करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे डांस करोगे तो इधर दिखेगा। तो ये सारे लोग देखो कितने मजे कर रहे हैं, मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ। भूतनी लग रहा था, भूतनी चलो।